तो तिरंगा यात्रा निकाले, लगभग ये हजारों की संख्या में मौजूद है। ये शहीद पिंटू सिंह के गांव की मिट्टी है, वो पवित्र मिट्टी जिससे तिलक करने की तमन्ना हर हिंदुस्तानी के दिल में होगी। हो भी क्यों ना, नापाक पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को मार गिराने वाले शहीद पिंटू सिंह ने जांबाज की तरह सीने पर गोलियां खाई थी। आज शहीद पिंटू सिंह के गांव यानी बखरी के ध्यानचक्की गांव में पुलिस वालों का जमावड़ा लगा है। बखरी अनुमंडल पुलिस की पूरी टीम एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में शहीद पिंटू सिंह के घर पहुंची है। शहीद के घर खाकी वालों की इतनी भीड़ आखिर लगी क्यों है, यह सवाल आपके मन में भी कौन रहा होगा। दरअसल ये भारत के वीर सपूत पिंटू सिंह के परिजनों का हालचाल लेने पहुंची पुलिस टीम है। शहीद के बड़े भाई से बखरी एसडीपीओ ओम प्रकाश कह रहे हैं कि जब भी कोई जरूरत पड़े बेहिचक फोन करिएगा। बिहार पुलिस सप्ताह के मौके पर बेगूसराय के पुलिस कप्तान अवकाश कुमार की यह अनोखी पहल है। एसपी अवकाश कुमार ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे शहीदों के परिजनों से जाकर मुलाकात करें, उनकी समस्याओं के बारे में जानें और तत्काल उसका समाधान भी ढूंढें। एसपी के निर्देश पर बखरी अनुमंडल पुलिस का पूरा कुनबा शहीद पिंटू सिंह के गांव पहुंचा। यहां शहीद पिंटू सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पुलिसकर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार के जावाज बेटे को सलाम किया। फिर परिजनों से उनका हालचाल भी पूछा। लोग आए हुए हैं शहीद पिंटू सिंह जी के घर पे और इनके भैया से आपकी बात है। आपका व्हाट्सएप नंबर सोने का नंबर लिख लीजिए। अजनले का इनॉग्रेशन का है, शिलान्यास का देते हैं। एक तारीख को ही रहना चाहिए, एक तारीख को इनकी सालगिरह है, बक्की का 62 57, तो एक तारीख मिस नहीं हो। शहीद के घर पर पुलिस कर्मियों का यह पूरा कुनबा देखकर गांव के लोग बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर शहीद के गांव में पुलिस ने मेडिकल कैंप भी लगवाया। यहाँ टोला में किसी भी बच्चे को चाहे किसी भी जेंट्स लेडीज के तो आए हैं टीम आते हैं। गांव के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान बखरी थाना के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान और परिहारा ओपी अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर समेत तमाम थानों के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस कप्तान अवकाश कुमार के निर्देश पर अनुमंडल के सभी थानों की पुलिस यहां पहुंची है। इस सब के द्वारा कहीं बताया गया कि हम लोग को अब जो आज बिहार पुलिस सप्ताह के बीच में एक दिन यहां पे आके आप लोगों से मिलकर। शहीद के परिजनों को यदि किसी तरह की भविष्य में भी कोई परेशानी होगी तो पुलिस उनके साथ खड़ी रहेगी। बिहार पुलिस सप्ताह जो आयोजित है
इस कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम निर्देश के आलोक में ये अनुपालन किया गया था और बेगूसराय पुलिस कप्तान की छत थी और हम लोग भी चाह रहे थे इस सप्ताह के एक दिन आज जो हमारे क्षेत्र के शहीद पिंटू सिंह उनके फैमिली वाले से मिलके उनके सुख दुख पूछने को लेकर हम लोग ने उस संबंध में कार्यक्रम करवाया और उनके घर पे मेडिकल कैंप भी लगवाया और जहाँ पे उनके घर के फैमिली मेंबर का इलाज और आसपास के टोला के बच्चों का भी इलाज करवाया और उनसे उनके तकलीफ और उनके दुख में हर संभव हम लोग मदद करने के लिए वो एश्योर किए हैं और उनके द्वारा ये एक तारीख को शहीद पिंटू सिंह जी की बरसी मनाई जा रही है उसमें हम लोगों ने अपने स्तर से हर संभव सहयोग करने का वादा किया। बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर शहीदों के घर पहुंच रहे पुलिसकर्मियों को देख शहीद के परिजन और ग्रामीण बेहद खुश हैं। यह शायद पहली मर्तबा है जब स्थानीय पुलिस शहीद के परिजनों के घर जाकर उनका हालचाल पूछ रही है। रिपब्लिकन न्यूज बेगूसराय। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।